वृंदावन की होली एक त्योहार नहीं है, इमोशंस है, क्योंकि यहाँ होली मनाने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ होली काफी दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो इसे समझने के लिए मुझे एक बार तो वृंदावन आना पड़ेगा। तो अभी जो है हमारी ट्रेन आ चुकी है, अब हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो फिर मैं और मेरी मित्र मंडली निकल गई इस होली को कुछ हसीन और यादगार बनाने मथुरा। जहां ट्रेन का सफर हर बार की तरह कुछ प्यारी घटनाओं से भरपूर ही रहा, फिर कुछ क्षण ट्रेन में बिता के मैं पहुंचा कृष्ण की नगरी मथुरा। यहाँ की हवाओं में भी एक अलग ही नशा था जो मुझे फिर से यहाँ खींच लाया। तो इसी को देखते हुए हमने सफर की शुरुआत की कृष्ण जन्मभूमि से। दोस्तों, कृष्ण जन्मभूमि में हम आ चुके हैं अभी, और ये यहाँ पर काफी सारे वानर सेना में दिख रही है जो कि हमारा फोन भी छीन सकती है। अब दूसरी चीज है कि मैं पहले यहाँ पर आया था, अब ये मैं आया हूँ होली वाले दिन, जो कि काफी मजेदार किस्सा होने वाला है। और भाई हमारे गंजे भाई साथ में देख सकते हो, यहाँ पर दो प्रकार की भीड़ है। हाँ जी, एक इंस्टाग्राम वाली, भक्ति वाली। हाँ जी, और मुझे लगता है मैं इंस्टाग्राम वाली में से हूँ, और मुझे लगता है मैं वीडियो बनाने वाली में से हूँ, वो भी लोगों को दिखाने के लिए कि और आए देख देख के, भक्त भी आएंगे। पहले यहाँ भक्ति की भावना बहुत थी, अब थोड़ा व्यापार ज्यादा होने लग गया है क्योंकि बहुत ग्राहक आ रहे हैं। हाँ जी, हम भी आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं। भीड़ दिखा दी एक बार, भीड़ दिखा दी। देखिए यहाँ पर भीड़, अभी तो भीड़ इतनी ज्यादा भी नहीं दिख रही है, पर ये अभी जाएंगे यहाँ पर, अभी ये सारी चीजें हो रही होंगी। बाकी बिहारी मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ एक बार मैं दिखा दूंगा आपको कि कितनी भीड़ होती है। जो भक्ति का काम पहले 10 रुपए में 20 रुपए हो जाता था, हाँ जी, अब वो ग्राहक बनने की वजह से बहुत महंगा कर दिया गया है। हाँ जी, तो वो भक्ति जो पहले गरीब इंसान कर सकता था, हाँ जी, अब वो केवल जो अमीर लोग हैं उनका हैबिट रह गई है, अमीर लोगों का काम रह गया है बस। हाँ, शौक हो गया है अब भक्ति भक्ति की नहीं। अरे आजकल रील्स की वजह से यहाँ पर ज्यादा चीज चल रही है, लड़कियाँ आएंगी, दो चार घूमती दिखा देंगी। हाँ, और एक टीका लगाते हुए, टीका लगाते हुए दिखा देंगी, कुछ नहीं पता, ना किसी भगवान के बारे में पता, ना जन्म के बारे में कुछ पता। फिर यहाँ कुछ पल बिता के मुझे यहाँ के खाने का जायजा लेना था, तो फिर वृंदावन की मशहूर कचौड़ी को मैं कैसे छोड़ सकता था। तो यहाँ मैंने 20 रुपए देकर ये कचौड़ी को अपने मुख से लगाया। कचौड़ी खाकर तो ये समझ आ गया था कि हाँ, अब मैं वृंदावन आ चुका हूँ। तो फिर इस यात्रा को रोमांचक और अच्छा बनाने के लिए हमने 4 बजे के बाद अपने कदम इस्कॉन मंदिर की तरफ बढ़ाए, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। राधे राधे, राधे राधे। तो भी आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल। यह आते ही ऐसा लग रहा था कि मानो सभी कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुके थे, सभी के मुख में बस एक ही वाक्य था, यहाँ के पलों को जो मैंने अपने कैमरे में कैद किया, इसे मैं शायद ही कहीं भूल पाऊँ। यहाँ के कण कण में ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण ने छुआ है, पर यहाँ मुझे होली जैसा कोई स्वाद तो नहीं आया जो मुझे दिल्ली से यहाँ की तरफ खींच लाया था। तो इसी को देखते हुए मैं निकला मेरी मित्र मंडली को लेकर राधा वल्लभ मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा राधा वल्लभ मंदिर। जहाँ मुझे महसूस तो हो चुका था कि यहाँ तो हम रंगने वाले हैं। स्टाइल होता ही है, मैं तो वो कर रहा था रिप्ले, फिर से करके दिखाऊंगा। देख भाई यार, लेके अमीर पे कौन फरसत है, के अबीर पे कबूल पर सत है, तो राधा वल्लभ मंदिर से बाहर निकलते ही हमने वृंदावन का पान खाकर यहाँ की लस्सी को अपने मुख से लगाया, जो टेस्ट था वो तो आप यहाँ पर आकर ही समझ पाएंगे।
और कहते हैं शाम के समय प्रेम मंदिर में अलग ही दृश्य देखने को मिलता है, तो मैंने तभी प्रेम मंदिर की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों अभी हम जो है प्रेम मंदिर आ चुके हैं और अभी ये शक्ल देख सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ वीडियो एक क्रिएट करने वाला था बट अब ये हो नहीं पाएगी क्योंकि अभी शक्ल देख सकते हैं तो मूतिया बन चुका हूँ। ऐसा लगा हार्पिक यहाँ लगा लिया, मुंह पे लगा लिया, नील लगा लिया। ठीक है, सामने जो दृश्य दे रखा है वो काफी मनमोहक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रेम मंदिर में मैं जब भी आया हूँ यहाँ मुझे और मंदिर से कुछ अलग ही महसूस होता है। दूसरे दिन फिर से हम निकल गए थे और आज हमें होली खेलनी थी। आज 18 तारीख है और हम अभी जाने वाले हैं बांके बिहारी मंदिर, सुबह दर्शन करने वाले हैं, फिर इसके बाद निधिवन जाकर फिर हम जाएंगे बरसाना। पिछली बार जब मैं आया था बरसाना तो नहीं गया था, इस बार देखेंगे कि कैसा वहाँ का माहौल रहेगा और होली किस टाइप की खेली जाती है। बहुत सारी वीडियोज वगैरह मैंने देखी है तो देखते हैं कैसा रहेगा सफर। जहाँ मंदिर जाने से पहले टीका लगाना तो लाजमी था। बांके बिहारी की लंबी भीड़ ने मन में अलग ही खुशी उत्पन्न की हुई थी। यहाँ जहाँ भी देखो उस सबके मुख से राधे राधे सुनाई दे रहा था और बांके बिहारी जाकर भगवान जी के दर्शन करके मन तो बहुत खुश हो गया था। फिर इसी बीच कुछ मन हुआ कि घाट के पास बैठकर कुछ वार्तालाप किया जाए। जहाँ कुछ देर बैठ के फिर मैंने निधिवन का दौरा किया और फिर हम निकल गए बरसाना। हम जा रहे हैं बरसाना, काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 3:30 बज चुके हैं। अभी हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है वृंदावन में, तो अब हम जाएंगे बरसाना की लड्डू मार होली तो हम खेल नहीं पाए, अब हम खेलेंगे लठ मार होली। हमारी तो कोई बीवी भी नहीं है जो हमें लठ मारेगी। दोस्तों मैं अभी बोंगालियों से मिलकर आया हूँ तो मेरी भाषा में कुछ ना कुछ बोंगालियों के तब तो आ रहे हैं। यस, अभी मैंने डायनामाइट गाना सुना था, अब मुझे फीलिंग आ रही है कोरियन वाली। गाइस मैं अभी यहाँ पर हूँ और मुझे कोरियन वाली फीलिंग आ रही है, मैं क्या करूँ, मेरे को लग रहा है राधे राधे गाना फिर से मुझे सुनना पड़ेगा। यहाँ पर चल रही है भिड़त, यहाँ पर चल रहा है 150 रुपये सवारी, 100 रुपये सवारी। अब ये ट्रैफिक जाम की वजह से हम ज़्यादा ही लेट हो गए थे, पर यहाँ के रोड पर कुछ अलग ही चमक देखने को मिली। रम की बोतला को लड़ दो, बियर विस्की डुल्लड़ दो, होली की मस्ती में यार सारी दुनिया को लड़ दो। सारे टुल हैं भाई, सारे फुल हैं टाई, सारे टुल हैं भाई, जाम चलेंगे डे एंड नाइट। होली आई धूम मचा लो, आज मजे में झूमो गालो, होली की फुल मस्ती है तुम भी आके पैग लगा लो। सारे टुल हैं भाई, सारे फुल हैं टाई, सारे टुल हैं भाई, जाम चलेंगे डे एंड नाइट। होली दोस्तों बहुत ही प्यारा था मंजर बरसाना में, हमने बहुत ही अच्छा एकदम वहाँ के लोगों की वाइब ही एक अलग है यार। राधे 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 बरसाने वाली राधे, भाई मजा काफी आया, टाइम कम था बट ये था मजा काफी थे। अगर सही टाइम पे आते ना एकदम फाड़ के रख देते भाई। भाई डांस, भाई लोगों ने डांस बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। अगर आप आना चाहते हो गाइस जरूर आइए, मेरे साथ आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये नास्तिक बंदा आपको वाइब दे देगा होली की। यहाँ पर आज नंद लाल में गुलाल बरसत है, ओ आज नंद बहुत ही ज्यादा मजे किए, इतने मजे किए दोस्तों, एक वाइब दी है बहुत अच्छी आज, बट अच्छा था जो भी था। बस हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे इसके वजह से हम पूरा नहीं कर पाए, बट काफी अच्छा था। अगर आप सही टाइम पे आते तो बहुत ही अच्छा रहता। हम काफी लेट आए थे, 5:30 बजे तो हम यहाँ पर एंटर हुए थे और ये है कि ट्रेन भी है हमारी 8 बजे की, तो इसलिए हमारी दिक्कत आ गई इस चीज़ की, वरना यहाँ पर जो वाइब है ना बहुत ही प्यारी है, कहना पड़ेगा। चलो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।